हेलो गाइस, मेरा नाम दलजीत कौर है और मैं करनाल से बिलोंग करती हूँ। तो एक न्यू वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। ये ब्रदर का नाम है राघव, इनके तीन और फ्रेंड भी थे जो करनाल 13 सेक्टर से है। तो ये बच्चों को रिफ्लेक्टिव कॉलर्स डालने आए थे। तो कुछ जो बच्चे हमारे हाथ में आ जाते हैं तो कल हमने उनको रिफ्लेक्टिव कॉलर्स डाले। तो गाइज, ये एक मंकीज़ का ग्रुप है, बहुत अच्छी वाली मंकी जिसको मैं खाना दे रही हूँ। और भी हैं, वो थोड़े अग्रेसिव हैं क्योंकि इस मंकी को मैं बहुत टाइम से फीड कर रही हूँ, इसलिए मेरे हाथ से खाना ले लेती है। आप भी खाना दिया करो। हाँ जी, हाँ जी, इधर। हाँ, किए 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 किए। हाँ हाँ, इधर आज पाँव की बड़े बच्चे। हाँ किए ना, बड़ा प्यार ना कर देगा। हाँ 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 और ये ब्लैक वाली डॉग ने बेबीज दिए हैं 8, 6 फीमेल डॉग्स, 2 मेल डॉग्स। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है बिकॉज़ लोग अडॉप्ट नहीं करते। तो गाइज, ये कुछ जैकेट्स मैंने परचेज़ की थी कुछ दिन पहले, बहुत ज़्यादा ठंड थी तो ये हमने काफ़ी बच्चों को पहनाई थी। तो मैं कुछ वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कुछ लोग डरते हैं जैकेट्स पहनाने से, तो आप ये तरीका ट्राई कर सकते हो अगर डॉग थोड़ा सा फ्रेंडली है। ये डॉग तो चलो मेरे घर के बाहर ही रहता है तो इसको मैं इजीली पहना सकती थी, और अभी भी इसने जैकेट पहनी हुई है, ये मेरे घर के पास ही रहता है बिल्कुल। तो अगर आप दूर दूर तक हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने घर के आसपास पड़ोस में हेल्प किया करो, बिकॉज़ ठंड तो सबको लगती है, भूख भी लगती है। तो प्लीज़ इनकी फीलिंग्स को भी समझा करो। एंड ये देखो, जैकेट डाल के अब ये दिखाने जा रहा है सबको। एंड गाइज, ये जो डॉग है इसका नाम है कांटो। इसको ये मेरी गली में ही हुई थी तो इसको मैंने अडॉप्ट करके घर में ही रख लिया है। बहुत ज़्यादा नॉटी है ये। ये जैकेट उसने फाड़ भी ली है, एक उसको दूसरी डाली हुई है अब। ये मेरे को मेरी फेवरेट जैकेट थी कैप वाली, बट इसने फाड़ दी है, बहुत मुश्किल से इसको डाली थी, बहुत शैतान है ये। तो आप भी अपने घर के आसपास हेल्प किया करो अगेन, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा इनकी हेल्प। ये वाली ब्लैक डॉग है, इसके बेबी हुए हैं 8, अभी ये प्रेग्नेंट है। ये थोड़ी पुरानी वीडियो है तो 8 बेबीज़ हैं। लोकेशन है करनाल करन लेक। बेबीज़ सारे ब्लैक हैं, अगर कोई अडॉप्ट करना चाहे तो प्लीज़ बताना। तो कुछ डॉग जैकेट नहीं पहनाते, तो कुछ पहन लेते हैं इजी, तो इसने पहन ली थी। एंड ये जो वाइट वाली डॉग है इसकी एक लेग में प्रॉब्लम है, बट ये पास में नहीं आती। इसका एक्सीडेंट हुआ होगा बट अपने आप गलत तरीके से लेग जुड़ गई है, बट ठीक है अभी। ये टाइगर का फ्रेंड उसकी टांग खींच रहा है देखो ये टाइगर है, ये करनाल करन लेक पर मिलेगा आपको, कभी मिले तो इसको ज़रूर प्यार करना। एंड गाइज, मैं ये बोल रही थी जैसे आप कुछ डॉग्स को जैकेट पहनाते हो ना, अगर मौसम चेंज होता है, ठंड चली गई है या बारिश है, तो प्लीज़ आप उनकी जैकेट्स चेक करना, बिकॉज़ ये अपने आप इजीली नहीं उतार पाते। तो कुछ मतलब कि ऐसा हो कि आप उनको जैकेट्स दोबारा से उतार लो, बिकॉज़ इनको प्रॉब्लम होती है। जैसे हम 24 आवर्स विंटर के क्लॉथ्स नहीं पहन सकते, ऐसे ये भी नहीं पहन सकते। तो प्लीज़ इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना। टाइगर बहुत फ्रेंडली डॉग है, इसके फ्रेंड हैं, चारों इकट्ठे रहते हैं। और ये ब्लैक वाली को तो मैं अभी अपने घर लेके आई हूँ, बिकॉज़ इसको पीरियड्स की प्रॉब्लम थी एंड डॉग बहुत ज़्यादा तंग करते थे, तो 4-5 डेज़ के लिए मैं इसे अपने घर ले आई हूँ। मेरे घर ही अभी है और नेक्स्ट मैं इसे रिलीज़ कर दूँगी जल्दी। और ये है ग्रेसी। ग्रेसी के 4 बेबीज़ थे जिसमें से 2 मैंने अडॉप्ट करवा दिए थे, 2 भी हैं। ये बहुत ज़्यादा स्वीट है, अभी नेक्स्ट मैं इसको स्टाइलाइज करवा दूँगी, क्योंकि 2 बार तो मेरे सामने ही इसके बेबीज़ हो गए हैं। मैं नहीं चाहती दोबारा हो, और क्योंकि पहले वाले सारे रोड एक्सीडेंट में मर गए थे, मेरे को थोड़ी लेट मिली थी ये। तो गाइज़, प्लीज़ आप भी अपने आस पास हेल्प किया करो। कोई अगर एनिमल लवर है, नहीं है, जो ये वीडियो देख रहा है, तो आप सब भी अपने आसपास डॉग्स को स्टाइलाइज करवा सकते हो। इससे क्या होगा, उनके बच्चे नहीं होंगे, अगर बच्चे नहीं होंगे तो वो रोड एक्सीडेंट में नहीं मरेंगे, और कोई इनको पॉइजन नहीं देगा, और गली वाले भी गलत नहीं बोलेंगे। सो इसका एक ही सोल्यूशन है, एक बार जिस डॉग ने बेबीज़ दे दिए हैं तो उसको मिल के आसपास, अगर एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर पाता तो किसी की हेल्प लेके उसको स्टाइलाइज करवा सकता है। एंड प्लीज़ हेल्प किया करो, बिकॉज़ मैं रोज़ देखती हूँ इतने पपीज़ हो रहे हैं और कितने रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, कितनों को पॉइजन दे देते हैं। हम डेली वीडियोस देखते हैं नेट पे एनिमल क्रुएल्टी की, तो धीरे धीरे वो देखने को नहीं मिलेंगी जब हम धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन ही कम कर देंगे। जितनी चीज़ कम होती है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है, ये इतना ईजी नहीं है, इस चीज़ को बहुत
साल लग जाएंगे, टाइम लगेगा, अगर एक एक बंदा कोशिश करेगा तो सब पॉसिबल हो जाएगा।